आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा नवमी के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 8 लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है बहुपरमाणिक आयनों वाले यौगिक। इससे पहले अपन ने एक परमाणिक आयनों वाले यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात करना सीखा था। आज अपन 4 बहुपरमाणिक आयनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है सोडियम नाइट्रेट, तो आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। अब इसके लिए सूत्र नहीं भी हो तो भी चलेगा, प्रतीक चिन्ह तो आपको आना ही चाहिए। जैसे सोडियम है तो Na, नाइट्रेट है तो NO3, ठीक है ना। तो अब इसकी संयोजकता और प्रतीक चिन्ह आपको दोनों याद रहने चाहिए, तभी आप उसका सूत्र लिख कर पाएंगे। अब देखो, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको दोनों के प्रतीक लिखना है। सोडियम का Na और नाइट्रेट का है NO3। अब सोडियम की संयोजकता होती है 1 और नाइट्रेट की होती है 1। आप सारणी देखोगे तो सारणी में इसकी सबकी संयोजकता है, तो बार बार अब इसका प्रयोग करोगे तो आप इसको सीख जाओगे। अब दोनों का 1 है तो इसको अपन क्रॉस कर देते हैं, Na इसके 1, इसके लिए भी 1, तो दोनों एक एक बार आएंगे, तो सोडियम का हो जाएगा Na और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, NaNO3, ठीक है ना। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, अब कैल्शियम एक शब्द है, हाइड्रोऑक्साइड एक शब्द है, तो कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह हो गया Ca, ठीक है ना, और हाइड्रोऑक्साइड का प्रतीक चिन्ह हो गया OH। अब इन दोनों की आपको क्या याद रखनी है, संयोजकता। देखो कैल्शियम की संयोजकता, कैल्शियम आवसारणी 20 नंबर पे आता है और उसकी संयोजकता होती है 2, और हाइड्रोऑक्साइड की संयोजकता होती है 1, तो दोनों की नीचे संयोजकता लिख देते हैं और इसको अपन क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो OH 2 के लिए हो जाएगा और Ca के लिए हो जाएगा 1, तो कैल्शियम आएगा 1 बार और OH आएगा 2 बार। देखो OH बहुपरमाणिक आयन है, और आपको पहले भी बताया था नियम में, जब भी कभी बहुपरमाणिक आयन जिसकी संयोजकता 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको अपन किस में लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो देखो कैल्शियम 1 आएगा और OH के बाद ब्रैकेट बंद आएगा, तो यहाँ देखो OH के बाद ब्रैकेट बंद करके इसकी संयोजकता कितनी लिख दी, 2। तो OH एक बहुपरमाणिक आयन है, इसलिए इसको अपन किस में लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। अब आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का प्रतीक चिन्ह हो गया Na, कार्बोनेट का हो गया NO3। अब इनकी देखो सोडियम की संयोजकता 1, CO3 की संयोजकता होती है 2, कार्बोनेट की 2, सोडियम की 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, सोडियम आएगा 2 बार, कार्बोनेट आएगा 1 बार, तो सूत्र क्या बन गया, Na2CO3। अब देखो यहाँ CO3 की संयोजकता 1 है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। जब भी संयोजकता बहुपरमाणिक आयन की 2 हो, देखो यहाँ 2 सोडियम के लिए है और सोडियम एक परमाणिक आयन है, न कि 2 परमाणिक, ध्यान रखना, सोडियम को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना, ये छोटी मोटी गलतियां ना करें। अब आता है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम NH4 इसका प्रतीक चिन्ह, सल्फेट का हो गया SO4। अब है देखो NH4 की संयोजकता होती है 1 और SO4 की संयोजकता होती है 2। अब देखो NH4 के लिए आएगा 2 और सल्फेट के लिए आएगा 1। अब यहाँ देखो दोनों ही बहुपरमाणिक आयन है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो NH4 भी बहुपरमाणिक आयन और SO4 भी बहुपरमाणिक आयन है। तो देखो NH4 को ब्रैकेट के अंदर रख के फिर इसके बाहर क्या लिखा है, 2 लिखा है, आप बाहर पहले भी 2 लिख सकते हैं। तो देखो NH4 के ब्रैकेट के बाद 2, फिर SO4 1, तो सल्फेट तो है 1, NH4 कितने हैं, 2। तो ध्यान रखना बहुपरमाणिक आयन की संयोजकता जब भी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख के जितनी संख्या है उसको बाहर लिखनी है, ठीक है ना। तो सूत्र क्या बना, NH4 होल थ्राइस SO4, ठीक है ना, ये है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। तो अपने एक परमाणिक आयनों वाले यौगिक के सूत्र याद ज्ञात किए, और आज अपने पढ़े थे बहुपरमाणिक आयनों वाले यौगिकों के सूत्र। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आगे भी जो भी एग्जाम होंगे आपके, फर्स्ट सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट
अर्धवार्षिक वार्षिक में ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अच्छी तरह से करना, कॉपी के अंदर आपको इस प्रकार से उतारने भी हैं ये। अब आता है हमारा नया टॉपिक है आण्विक द्रव्यमान। आण्विक द्रव्यमान है क्या, देखो इसको समझते हैं। किसी पदार्थ का आण्विक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कहलाता है। यानी आण्विक द्रव्यमान का मतलब है कि जो पदार्थ किन किन परमाणुओं से मिलके बना है उनके परमाणुओं का द्रव्यमानों का जो योग होता है वह आण्विक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल अपन ने लिया यहाँ पे जल का, तो जल में देखो कौन कौन है, H2O। जल का सूत्र क्या, देखो H2O, यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये एक पदार्थ है। इसमें कौन कौन से परमाणु वो भी पता चल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से एक सवाल में देखो एक और है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो देखो इसमें कौन कौन है, NHO, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अभी तीनों का परमाणु द्रव्यमान आपको लिख के जितनी बार आया उसको मल्टीप्लाई कर देना और उसका योग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल है H2O का आण्विक द्रव्यमान, तो देखो सबसे पहले आप हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखोगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U, फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U। ध्यान रखना द्रव्यमान और परमाणु आकार में फर्क है, परमाणु क्रमांक। तो देखो परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 8 है परमाणु क्रमांक, और परमाणु द्रव्यमान होता है 16U। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का योग। तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 16U। अब देखो जल का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए H का, तो एच दो बार आया, तो देखो 1U × 2 प्लस O कितनी बार आया, एक बार, तो 16U × U मतलब यूनिफाइड, इसका प्रतीक चिन्ह है, इंटू 1। अब इन दोनों की देखो जोड़ है, 1U × 2 = 2U, 16U × 1 = 16U, तो दोनों का जोड़ होता कितना योग आया, 18U। अर्थात जल का परमाणु आण्विक द्रव्यमान कितना आ गया, 16U। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का आण्विक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो देखो इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U। अब ये जितनी बार आए हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है। देखो हाइड्रोजन एक बार आया है तो 1U × 1 N, नाइट्रोजन भी एक बार आया तो 14U × 1, ऑक्सीजन देखो O3 है तो तीन बार आया है तो 16U × 3 ऐसे करना है, ठीक है ना। तो 1U × 1 प्लस 16U × 3 प्लस 14U × 1। अब 1U और 1 को गुणा किया तो 1U, 16U को 3 से गुणा किया तो 48U और 14U को 1 से गुणा किया तो 1U। अब तीनों की जोड़ की तो कितना है, 63 आया परमाणु आण्विक द्रव्यमान, इसका कितना आया, 63 परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये किसका निकला अपन ने, नाइट्रिक अम्ल का। तो इस प्रकार से आपको इन पदार्थ के आण्विक द्रव्यमान आपको करने हैं। अब इसको मैं गृह कार्य के रूप में आपको दो नए देता हूँ जो आपको करके लाना है, अपनी कॉपी के अंदर करना आप सभी। तो हमारा गृह कार्य आज जो मैं ये दे रहा हूँ ये तो आपको करना ही है, इसके अलावा आण्विक द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। 5 या 6 मैं दूंगा, उसका आण्विक द्रव्यमान ज्ञात करना आपको सीखना है। पहला नंबर 1 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सोडियम
ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का है Na2O। तीसरा ग्लूकोज, C6H12O6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और पांच नंबर पे हमारा रहेगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट सूत्र क्या है, देखो यहाँ लिखा है ना NaNO3। ये हमारा गृह कार्य रहेगा। ठीक है ना, गृह कार्य के रूप में आपको ये पांच का लिखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ग्लूकोज C6H12O6, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम नाइट्रेट HNO3। आपके पास में सूत्र आपके पास में है, परमाणु द्रव्यमान आपको याद है, और मल्टीप्लाई करना, देखो H2 कितनी बार आए हैं, दो, S एक बार है, O 4 फॉर्मूला चार बार आया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान रखना और आराम से आप इसको करना, ये पांच आपके गृह कार्य के रूप में रहेंगे। धन्यवाद, आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको वीडियो को शेयर लाइक करें, ठीक है ना, ओके।